एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कुछ लोगों पर मारने पीटने का लगाया आरोप। कुशीनगर से खबर सामने आ रही है। कसिया थाना क्षेत्र के ग्राम परास खांड निवासी ने एक महिला ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को प्रार्थना पत्र देकर गांव के कुछ लोगों पर मारपीट का लगाया आरोप। ग्राम निवासिनी शशि देवी पुत्र रामाशंकर दुबे ने एसपी कुशीनगर को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि गाँव के पवन कुमार पुत्र संजय व कमल पुत्र गाजर दुबे ने उसके बगीचे का आम जामुन गुलर का पेड़ 28 मई 2022 को करीब 10 बजे दिन में काट लिया। जब वह 31 मई 2022 को प्रार्थनी अपने रिश्तेदार के साथ कटे पेड़ों का फोटो ले रही थी, उसी दौरान पवन व कमल ने उसकी माता सावित्री देवी को मार पीट कर घायल कर दिया। पीड़िता ने न्याय की मांग की है। बताया जा रहा है कि उसका पूरा परिवार डरा सहमा है और दूसरी जगह पर रहना पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग फोन गया तो मम्मी फोन की हमारे पास की पुलिस थाने चलना, पुलिस चौकी से फोन आया। हम लोग पुलिस चौकी पर गए, तीन लोग पहुँचे, हम हमारा छोटा लड़का और मेरी मम्मी। उसके बाद जब हम लोग पुलिस चौकी पूछे तो वो लोग पूछे कोई लोग बोले कि कोई मतलब यहाँ से फ़ोन नहीं किया था, तो मतलब कल पता चला इसके बारे में भी फ़ोन किया था, कल बता रहा था हम लोग फोन किया। क्या हुआ आपके संग में, क्या हुआ है? वो लोग बोले कि जैसे हम लोग बोले कि जैसे हम लोग जब नहीं रहते हैं तो विपक्षी दल पेड़ काट के गिरा देता है, हमेशा पेड़ काट, तीन चार पेड़ काट दिया था। तो लोग बोले कैसा ठीक है, आप फोटो खींच के लाइएगा तो हम लोग कार्रवाई किया जाएगा। तो हम लोग गए तो उनके कहने पर हम लोग फोटो खींचे, मतलब फोटो खींचे तो उसी वक्त बैग निकाल के हम लोग को लगा दौड़ाने मारने। कौन कौन मारे हैं हम लोग? कौन कुमार दुबे, कमल। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? परसावा का। थाने पर दरखास्त दिए थे? थाने पर दरखास्त एप्लीकेशन हम लोग दिए थे, 6 महीना से सुनवाई हुआ है? सुनवाई नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? शशि। कौन थाना पड़ता है आपका? कसिया थाना।